नमस्कार ग्लिप्स डॉट इन में आपका स्वागत है। प्रदेश युवा कांग्रेस नेता संजीव शुक्ला ने कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि जगदलपुर का सबसे पुराना अस्पताल है, लेकिन सिटी से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक मेडिकल कॉलेज बना था जिसका उद्घाटन करने वाले थे, इसलिए उन्हें वहाँ अस्पताल से हटाकर मेडिकल कॉलेज शिफ्ट कर दिया गया है। युवा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद डॉक्टर है, वहाँ के मरीजों की अवस्था इतनी खराब है, वहाँ किसी भी प्रकार कोई भी सुविधाएं नहीं है, ना ही वहाँ ब्लड बैंक है, ना ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ मरीजों के परिजनों के रुकने की भी जगह नहीं है। युवा कांग्रेस के सचिव सुशील मौर्य, शेख जाहिद, असीम गुप्ता, संतोष गुप्ता, अभिषेक अवस्थी और 3 युवा कांग्रेस कार्यकर्ता 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर डॉक्टर है कुछ सीएम और राज्य का है ये हाल। डॉक्टर है खुद सीएम, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की स्थिति इतनी लचर है। आदिवासी क्षेत्रों में ना दवा है ना डॉक्टर है, इलाज के अभाव में लगातार मौतें हो रही हैं। जगदलपुर बस्तर का सेंटर है, वहाँ महारानी अस्पताल को 8 किलोमीटर दूर डोरनापाल में स्थानांतरित कर दिया गया है। मशीनों का अभाव है और पूरे महारानी अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई है, जिसके कारण हमारे साथी छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव सुशील मौर्य जी 3 दिन से महारानी अस्पताल के बाहर अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी सूद लेने अब तक प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं गया है। के अंदर में वो सरकारी अस्पताल है जैसे अपने आप मेका आ रहा है, लेकिन अभी आनंद फानन में करोड़ों अरबों रुपए लगा करके शहर से 10 किलोमीटर दूर वहाँ पर किसी एरिया में एक नया मेडिकल कॉलेज बनाया गया है, उसको एकदम पार्लर का रूप दिया गया है, लेकिन और मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करने वाले थे, इसलिए महारानी अस्पताल जो कि पुराना अस्पताल है वहाँ से जितने भी वहाँ पर मरीज थे उनको शिफ्ट कर दिया गया मेडिकल कॉलेज में। क्या रमन सिंह जी के उद्घाटन करने के लिए उन मरीजों को वहाँ पर भीड़ भाड़ करके दिखाना ज़रूरी था? उनके जान के साथ खिलवाड़ किसने किया? और जिस जगह में शिफ्ट किया गया ना वहाँ पर ट्रामा सेंटर है, ना वहाँ पर ब्लड बैंक है, ना वहाँ पर किसी प्रकार की कोई मशीन है, ना किसी प्रकार का कोई उपकरण है अभी तक, वो केवल और केवल एक बिल्डिंग है, उसको उद्घाटन किया गया मेडिकल कॉलेज का, वहाँ पर सारे मरीजों को क्यों शिफ्ट किया गया ये हम लोग का प्रश्न है, और इसमें जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उन पर कार्रवाई करने की मांग भी सुशील मौर्य जी ने की है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।